हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबको फिर से आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट जो हमने दो वीडियोस बनाए थे उसमें हमने शेयर किए थे कि कैसे हमने बहुत इजी तरीके से बचे हुए ऊन से फ्लावर बनाकर ले सकते हैं। तो देखिए, ये फ्लावर हमने बनाए हैं और इसके साथ साथ और भी डिफरेंट कलर्स में ये एक ही पैटर्न के साथ हमने फ्लावर्स बनाकर तैयार कर लिए। और हमने शेयर किए थे कि कैसे हम बहुत ही आसानी से ये कैसे तोरण के पट्टी को बनाकर ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक पूरा तोरण बनाकर लेंगे इस पट्टी के साथ एंड ये फ्लावर्स के साथ। तो अभी ये जो फ्लावर्स हमने बनाए हैं यहाँ पर, इसको ये पट्टी के साथ जोड़ने के लिए हमें बनाना पड़ेगा स्टेम एंड लीव्स। तो अभी हम वो बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्टेम बनाने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा 7 चेन्स ऐसे। यहाँ पर हमने 7 चेन्स बना लिया। अभी फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 चेन्स यहाँ पर बना लिया। अभी देखिए, ये जो पहला वाला है इसको स्किप करके नेक्स्ट वाले पे आना है। ऐसे 1 सिंगल क्रोशे बना लिया। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन पर आना है। वन डबल क्रोशे बना लिया। अभी यहाँ से हम आएंगे नेक्स्ट चेन पे और यहाँ पर आके हम बनाएंगे ट्रिपल। 1 2 3 ऐसे। फिर आएंगे नेक्स्ट चेन में और यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशे। फिर आएंगे नेक्स्ट चेन में, यहाँ पर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे ऐसे। और फिर आएंगे नेक्स्ट चेन में और यहाँ पर आके बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। ये देखिए, तो हमारा एक जो लीफ है वो बनकर तैयार हो गया है। अभी फिर से हम बनाएंगे 7 चेन्स ऐसे। 7 चेन्स बना लिया। और अभी क्या करेंगे, ये जो हमने चेन बनाया इसको हम ऐसे टर्न करेंगे और उसके पीछे की तरफ आएंगे यहाँ पे। ये देखिए, और ऐसे हमको क्रोशे हुक को ये पीछे के तरफ जो फंदा है उसके अंदर इसको ऐसे इंसर्ट करना है और फिर धागे को ऐसे पुल करके यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाकर लेंगे ऐसे। और अभी यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 6 चेन फिर से हमने यहाँ पर बना लिया। और अभी फिर से यहाँ पे हम लीफ पैटर्न बनाएंगे। तो फर्स्ट वाला है सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन पर जाके 1 DC, नेक्स्ट चेन पे जाके 1 ट्रेबल, फिर से नेक्स्ट चेन पे जाके 1 DC, फिर नेक्स्ट चेन पे जाके 1 HDC ऐसे। और फिर यहाँ पर आ जाएंगे 1 सिंगल क्रोशे ऐसे बना लिया हमने। और अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये स्लीव को हम ऐसे ही रखेंगे और ये जो चेन है तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। देखिए, तो इसका जो साइड, ये जो है ना चेन का, देखिए ये अभी फ्रंट साइड है, यानी कि सामने का जो साइड है वो है। तो अभी सामने से हमको ऐसे क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है ऐसे, और फिर ये जो फंदा है इसको इसके अंदर से ऐसे लेकर आना है। ये देखिए,
और फिर इसका ऐसे पुल कीजिए। और फिर यहाँ से हमको चेन बना लेना है सात। तो देखिए ये जो लीफ हमने बनाया है ये बना है लेफ्ट साइड में, और ये जो लीफ बना है ये बना है राइट साइड में। बट ये जो लीफ है ये उल्टा है और ये देखिए ये सीधा है। तो हम जो ये स्टेम और लीफ बना रहे हैं वो एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ऐसे करके हम इसको बनाएंगे। तो इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया है, इसको उल्टा करके बनाया है। और अभी फिर से यहाँ पर हमने सेवन चेन्स ले लिया है, तो इसके बाद से फिर हम सिक्स चेन्स बनाएंगे ऐसे। अभी सिक्स चेन्स बनाने के बाद फिर से राइट साइड में लीफ बना रहे हैं। तो पहले सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, देन नेक्स्ट चेन में आके फिर से वन ट्रेबल, नेक्स्ट चेन में आके फिर डबल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट चेन में आके वन एच डी सी मतलब हाफ डबल क्रोशे, और फिर से नेक्स्ट चेन में आके वन सिंगल क्रोशे। ये देखिए फिर से हमने और एक लीफ बना लिया राइट साइड में, जैसे हमने इसको बनाया था बिल्कुल वैसे ही हमने इसको बना लिया। और अभी फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चेन्स फिर से बना लिया, और अभी और एक लीफ हम फिर से जैसे हमने इसको बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो सेवन चेन्स यहाँ पर हमने बना लिया। अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे टर्न करेंगे और अभी यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए पीछे के तरफ ये देखिए ऐसे यहाँ से धागा को ऐसे पुल करेंगे और फिर इसके अंदर से इसको ऐसे बना लिए। और अभी यहाँ से फिर से सिक्स चेन्स, और अभी लीफ के लिए हम जो कर रहे हैं पहले फर्स्ट चेन में आके वन सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में आके वन डीसी, फिर से नेक्स्ट चेन में आके वन ट्रिपल, फिर से नेक्स्ट चेन में आके वन डीसी, नेक्स्ट चेन में आके वन एच डी सी, और फिर यहाँ पर आ जाना है ऐसे वन सिंगल क्रोशे। तभी इसको हो जाने के बाद इसको हमको ऐसे निकाल लेना है हुक को। ये देखिए, और अभी ये जो चेन देखिए ये भी उल्टा हो गया, तो हमको इनको ऐसे करके स्ट्रेट कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे स्ट्रेट कर लिया चेन को। अभी हम यहाँ से हुक इंसर्ट किया और ये जो धागा है ना इसको इसको यहाँ से पुल करके इसके अंदर से लेके आना है। ये देखिए और फिर इसको ऐसे एक बार बंद कर लिया, तो ये अभी ऐसे लेफ्ट साइड में ही रहेंगे, ये ऐसे पलट के इस तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया। अभी फिर से यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और फिर सिक्स चेन बनाएंगे और फिर से राइट साइड में हम लीफ बनाएंगे। तो ऐसे ही हमने देखिए इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने सारा जो स्टेम है एंड लीव्स उसको बनाकर तैयार कर लिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एक साइड का जो डिज़ाइन है वो, और ये है उसके साथ जो लीफ एंड स्टेम हमने बनाया है।
तो अभी इसको हम पट्टी के साथ जोड़ लेंगे और बिल्कुल इसी ऑर्डर में हम इस साइड को भी बनाकर इस तोरण को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मैंने जो कलर पट्टी के लिए यूज़ किए थे, मतलब यहाँ पे मैंने टू टाइप्स ऑफ ग्रीन कलर और टू शेड्स ऑफ ग्रीन कलर यहाँ पे मैंने यूज़ किए थे, तो उसी शेड में हम एक डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन ऐसे करके ये लीफ एंड स्टेम को बना लिया है। अभी यहाँ पे और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लेना है फ्रेंड्स, तो वो है कि जब भी देखिए ये स्टेम एंड लीफ को इस फ्लावर के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो पेटल्स है ना फ्लावर्स के, ये कुछ इस ऑर्डर में है कि एक के ऊपर एक, देखिए एक के ऊपर एक। तो अभी जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ऐसे ही हम इसको होल्ड करके लेंगे, ऐसे टू पेटल्स को एक साथ, और अभी फिर पीछे के साइड से ऐसे करके इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए आगे से इसको दिख नहीं रहा है कि कहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया, लेकिन हमने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ऐसे लगा दिया और अभी इसको देखिए ऐसे पीछे से छुपा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर एक नॉट लगाकर इसको कट भी कर सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा वूल है आप इसको कट भी कर सकते हैं। देखिए आगे से देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो फ्लावर्स हैं, इसके जो स्टेम्स है, लीव्स है, इसको सारे हमने पट्टी के साथ जोड़ लिया है। और देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और इस फ्लावर की और ये तोरण पट्टी की वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो अगर आपको उसको देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। और यही था हमारा आज का वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और ये तोरण का डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा है, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ पूछना है, आपका कुछ भी क्वेरीज है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमको बोल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।